नमस्कार, आप देख रहे हैं द टुमारो गोल चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी 10 से 15 हजार महीने की है और 1 करोड़ रुपए तक का असंभव सा वेल्थ बनाना चाहते हैं। आई नो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे ये कैसे संभव है, तो इसके लिए आपको वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना होगा और जब ही आपको समझ में आएगा, और मेरी गारंटी है कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपए तक का सफर पूरा किया जा सकता है। और SBI के इस फंड में ऐसा करना बिल्कुल संभव है। अगर देखा जाए तो कम सैलरी में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है आज के टाइम में, और चाह के भी अपने सैलरी को आप बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते अगर आप सिर्फ एक जॉब कर रहे हैं तो अगर आपकी इनकम कम है 10 से 15 हजार और आने वाले टाइम में एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं और अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आज के इस मुश्किल टाइम में आपको अपने सैलरी का सिर्फ 500 रुपए सेव करना होगा। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपए। इसके साथ दो शर्तें हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें पहली शर्त है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट जल्द से जल्द शुरू करना होगा, और दूसरी शर्त यह है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को लगातार जारी रखना होगा बिना किसी रुकावट के। तो अगर आप इन दोनों शर्त को मान लेते हैं तो मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि आप आने वाले टाइम में अपने गोल को अवश्य अचीव कर लेंगे। अब सवाल आता है कि 1 करोड़ बनाने के लिए SBI के इस फंड में कितने साल तक 500 रुपए हर महीने निवेश करना होगा, तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा बिना स्किप किए कैसे आप 500 से 1 करोड़ का सफर पूरा कर सकते हैं। उससे पहले SBI के इस फंड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, SBI के जिस फंड के बारे में मैं बता रहा हूँ इसका नाम है SBI ब्लू चिप फंड। इस फंड को चूज करने के बहुत सारे रीजन है, जिसमें से पहला रीजन तो ये है कि इस SBI के म्यूचुअल फंड को आप किसी भी अपने नियर बाई SBI बैंक से भी जाके खुलवा सकते हैं, जो कि हर छोटे बड़े शहर और गांव में SBI बैंक आसानी से मिल जाते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा कहीं परेशान नहीं होना पड़े। दोस्तों, SBI का ब्लू चिप फंड एक काफी अच्छा फंड है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपका प्लान है तो ये फंड आपके लिए काफी सुटेबल है। तो अगर मैं इस फंड के एनुअलाइज रिटर्न्स की बात करूं तो 15.24% पर एनम का रिटर्न्स है। ये रिटर्न्स ऐसा नहीं कि मैं लास्ट 1 या 2 साल का रिटर्न्स बता रहा हूं, ये ऑल टाइम रिटर्न्स है, यानी कि जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक 15.24% का रिटर्न्स दिया है, जो कि एक लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड के अंदर 14 से 15% या 16% तक इजिली मिल जाता है। इस फंड की ग्रोथ काफी अच्छी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस फंड का एक्सपेंस रेशो भी काफी कम है। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप SIP करते हैं तो 500 रुपए से आपका SIP स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आपके पास फंड ज्यादा है, अगर आप मैनेज कर सकते हैं, तो आप महीने का चाहें तो 1000 रुपए या फिर 2000 रुपए, 5000 रुपए तक का भी SIP कर सकते हैं। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस फंड के अंदर तो मिनिमम 5000 रुपए से लमसम के रूप में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस फंड का सबसे मेन पॉइंट है कि इस फंड की जो होल्डिंग्स है, किस किस कंपनी के साथ होल्डिंग्स है। तो अगर मैं टॉप होल्डिंग्स की बात करूं तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, ITC लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, ऐसे कंपनी के साथ होल्डिंग्स है। और अगर एलोकेशन बाय मार्केट कैपिटल होल्डिंग्स की बात करूं तो लार्ज कैप में 83.4% की होल्डिंग्स है और मिड कैप फंड्स में 11.97% की होल्डिंग्स है। तो लार्ज कैप में काफ़ी अच्छी पकड़ है, यानी कि जो भी लार्ज कंपनीज हैं टॉप की, उनके अंदर काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, 83.4% का इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं तो फाइनेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इस म्यूचुअल फंड का। फाइनेंस सेक्टर में अराउंड 30% का इन्वेस्टमेंट है। ऑटोमोबाइल्स में 12% के आसपास का है। कंज्यूमर स्टेपल्स में अराउंड 9.5% का है। और कंस्ट्रक्शन कंपनी में 7.12% की होल्डिंग्स है। तो होल्डिंग्स वाइज कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सबसे पहले यही देखना है कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है और कंपनी किस किस कंपनी के साथ या किस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में आपका पैसा कहीं लॉस न चला जाए, क्योंकि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, रिस्कोमीटर के हिसाब से ये फंड काफी हाई रिस्की फंड है, क्योंकि एक इक्विटी फंड है तो इक्विटी फंड में रिटर्न्स तो मिलते हैं लेकिन वहाँ पे रिस्क भी रहता है, लेकिन ये रिस्क उतना नहीं है जितना कि स्मॉल कैप फंड के अंदर हो सकता है, क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से वहाँ पर रिटर्न्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं या फिर लॉस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है।
तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर वोलेटिलिटी काफी कम होती है, इस वजह से बैलेंस मेंटेन होते हैं और रिटर्न कम तो मिलता है लेकिन साथ ही साथ लॉस अगर होता भी है तो काफी कम होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का भी बेनिफिट मिल जाता है। सो अब डिस्कशन करते हैं कि 500 रुपए कितने साल तक निवेश करें ताकि हमें 1 करोड़ रुपए तक का वैल्यू मिल सके। 500 रुपए अगर आपने हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं, 6,000 रुपए आपका साल का इन्वेस्टमेंट होगा। सपोज एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हमें 15% इस म्यूचुअल फंड के अंदर मिल रहा है और 20 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 500 रुपए के हिसाब से 20 साल में आपने टोटल 1,20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। एस्टिमेटेड रिटर्न्स इसके ऊपर 6,37,977 रुपए मिला। अगर मैं टोटल वैल्यू की बात करूं तो 7,57,977 रुपए का वैल्यू बनेगा। अब म्यूचुअल फंड का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, 20 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न्स आपको जो मिल रहा है 6,37,000 रुपए, ऑल ओवर वैल्यू आपका अराउंड 7,50,000 रुपए का हो रहा है। लेकिन आप इसी फंड को 10 साल के लिए और बढ़ा देते हैं, यानी कि 10 साल और इन्वेस्टमेंट करते हैं, टोटल आपने इन्वेस्टमेंट किया 1,80,000 रुपए, जिसमें केवल 60,000 रुपए आपका एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट गया। एस्टिमेटेड रिटर्न से यहाँ पे मिलता 33,24,910 रुपए और टोटल वैल्यू यहाँ पे मिलती है आपका 35,04,910 रुपए। 10 साल में आप फर्क देख सकते हैं कि 7,50,000 से 35,00,000 पे आ गए। और इसी फंड को आप 5 साल के लिए और बढ़ा देते हैं, यानी कि 5 साल और इन्वेस्ट करते हैं इसी फंड में, तो इसी फंड को अगर आप निकालते नहीं है और 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर देते हैं, यानी कि 35 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट अपना जारी रखते हैं, आपने टोटल 2,10,000 रुपए ही केवल इन्वेस्टमेंट किया, एस्टिमेटेड रिटर्न्स आपको मिला 72,20,322 रुपए। अगर मैं फाइनल वैल्यू की बात करूं तो 74,30,322 रुपए के आसपास की फाइनल वैल्यू मिलेगी। ये पावर है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का। अगर आप एक सही म्यूचुअल फंड अगर आप चूज कर लेते हैं और उसमें अगर आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना स्किप किए, तो आने वाले टाइम में आपको वैल्यू काफी अच्छी मिल सकती है। फाइनल डिस्कशन पे चलते हैं कि अगर आपको 1 करोड़ बनाना है तो उसके लिए कितने साल आपको इन्वेस्ट करना होगा। 1 करोड़ की वैल्यू बनाने के लिए आपको केवल 37 साल तक इन्वेस्टमेंट करना होगा। 500 रुपए करके 37 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2,22,000 रुपए ही केवल आपको इन्वेस्ट करना होगा। एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो इसमें बनेगा 98,03,320 रुपए और फाइनल वैल्यू जो बनेगी 1,25,320 रुपए। इस टोटल फंड के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा ओनली। अगर आप 1 करोड़ रुपए तक का वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको 37 साल तक आपको इन्वेस्ट करना होगा। आई नो 37 साल एक लॉन्ग पीरियड है, लेकिन सपोज अगर एक मिडिल क्लास या उससे नीचे की कोई फैमिली है जिसकी सैलरी मात्र 15,000 से 20,000 या फिर 10,000 से 15,000 रुपए महीने की है, और ऐसे में पता है कि मैं अपनी सैलरी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, मैं कुछ भी करूंगा तो मेरा 15,000 से 20,000 रुपए तक का महीने का ही इनकम हो पाएगा, तो ऐसे लोगों के लिए इस तरीके से प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। आप अगर अपनी सैलरी को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं लेकिन उसी सैलरी से केवल 500 रुपए आप हर महीने सेव करके और लगातार करते जाते हैं लॉन्ग टाइम तक के लिए, तो आप डेफिनेटली एक टाइम में 1 करोड़ रुपए तक का वेल्थ बना पाएंगे। तो अगर आप इस तरीके से कोई अपनी प्लानिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सोचिए मत कि मैं आने वाले टाइम में कुछ महीने बाद या कुछ साल के बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे ना, वो आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट तभी ज्यादा मिलेगा जब इन्वेस्टमेंट आप बहुत पहले से स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने जॉब स्टार्ट कर दी है, अगर आपकी एज है 20-22 साल, तो अगर आपने रिटायरमेंट के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू कर देनी है, क्योंकि अगर आज से ही इन्वेस्टमेंट आप शुरू करेंगे तो एक लंबे ड्यूरेशन के बाद आपको एक अच्छा खासा वेल्थ मिल सकता है, जिससे कि आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, अपने रिटायरमेंट लाइफ अच्छे तरीके से आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम ज्यादा है या फिर अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप इस 500 रुपए की जगह पे आप 1,000, 2,000, 5,000 या फिर 10,000 रुपए महीने का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास 1-2 लाख रुपए इकट्ठा कहीं से आते हैं जिसका आपको यूज नहीं करना है, तो उसको आप एज ए लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक जरूर करें, और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स में रिक्वायरमेंट है किसी को इस तरीके से फ्यूचर प्लानिंग के लिए, तो उन तक ये वीडियो को आप जरूर शेयर करें, जिससे कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक अच्छा डिसीजन जरूर ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।